अमृतपाल ते समर्थकों वालों अजनाला थाने दे घराओ दे मामले विच हुण हिंदू तखत दे मुखी स्वामी सर्वेश्वर नंद भैरव ने घटना की निखेधी की। कहा कि अमृतपाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल बना के थाने ते कब्जा किया। अमृतपाल वालों अपने आप नूं भारतीय नागरिक ना मनण दे बयान ते भी स्वामी ने कहा कि जे अमृतपाल खुद नूं नहीं मनदे भारती तां पासपोर्ट उन्हां दा रद्द किया जाए। जी हाँ, अमृतपाल ने बयान दिता सी कि अपने आप नूं भारती ही नहीं मनदे, इह तां सिर्फ एक दस्तावेज है इत्थे ट्रैवल करन दा। स्वामी सर्वेश्वर नंद भैरव ने मामले विच हुण सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सो तमाम आगू जिहड़े ने वख-वख वर्गां दे अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिस नाल उसकी जो घटना अजनाला पुलिस थाने वापरी, जो बयान उसके लगातार अमृतपाल के सामने आ रहे हैं, इस नूं लैके स्वामी सर्वेश्वर नंद ने मामले में सख्त कार्रवाई की हुण सरकार नूं मांग की है। पिछले गुरुवार अमृतसर में अजनाला में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ लेकर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, चाहते ना चाहते भी गुरु ग्रंथ साहिब की भी बेअदबी की गई। अमृतपाल जी जो है उनके द्वारा व उनके जो समर्थक है उनके द्वारा यह कृत्य किया गया है। यदि वह अपने आप को भारतीय नहीं मान रहे हैं तो क्यों ना उनका पासपोर्ट भी भारत सरकार अपने पास ही रख ले। उनके ऊपर अभी तक क्या कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, बहुत सी चीजें ऐसी है जो बहुत गंभीर जांच का विषय है कि किस तरह से एक व्यक्ति को इतना बल प्राप्त हो गया देश के संविधान के खिलाफ, हमारी एकजुटता हिंदू सिख जो भाईचारा है उसके खिलाफ इस तरह की जो आवाजें उठ रही है यह निंदनीय है। अमृतपाल जी के द्वारा जो उनकी स्टेटमेंट जो अभी तक जो हमारे पास जो हमारी जानकारी में आई है वह इसलिए बनाया गया था कि युवाओं को धर्म के प्रति, पंथ के प्रति नशों से दूर किया जाए, उनके अंदर एक नई भावना का विस्तार किया जाए। गुरु ग्रंथ की आड़ लेकर पुलिस कर्मियों के ऊपर एक साजिश के तहत हमला करना, यह किस तरह का एक संदेश अपने आप में युवाओं के लिए जाता है, तो इसका जवाब अमृतपाल जी को देना चाहिए कि वह पंजाब में किस तरह का वातावरण का निर्माण करने जा रहे हैं।